हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमने दो संसाधनों का अध्ययन कर लिया है। कौन कौन सा? एक हमने जल संसाधन और एक हमने मृदा संसाधन का अध्ययन किया। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उसके तीसरे पार्ट, जिसके अंतर्गत हम वन संसाधनों का अध्ययन करेंगे। अब वन संसाधनों को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ परिभाषाओं को, जैसे कि वन किन्हें कहते हैं। पहले सबसे पहले वन की परिभाषा आएगी। तो ऐसा व्यापारिक क्षेत्र, ऐसा व्यापक क्षेत्र, व्यापक मतलब क्या होता है? विस्तृत क्षेत्र। तो ऐसा व्यापक क्षेत्र जिसमें वृक्षों की क्या होती है? बहुलता होती है, मतलब जो पूर्णतः वृक्षों से आच्छादित होता है, क्या कहलाता है? वन कहलाता है। ऐसा व्यापक क्षेत्र जो पूर्णतः वृक्षों से आच्छादित हो, वो क्या कहलाएगा? आपका वन कहलाएगा। इसकी एक विशेषता और होती है, ये पर्यावरण के साथ साथ मानव के जीवन में सुधार करने का प्रयास करता है, मतलब क्या करता है? उनमें जैविक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। जैसे कि वायुमंडल में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो यह क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग करेगी, मतलब क्या होती है? पर्यावरण का तापमान बढ़ाएगी, जो कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होती है और मानव जीवन के लिए भी नुकसानदायक होती है। तो वृक्ष क्या करते हैं, वन क्या करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करके, और फिर क्या करते हैं उसको? प्रकाश संश्लेषण में करके उसका उपयोग करके और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन में परावर्तित कर देते हैं, O2 बना देते हैं। और O2 क्या करती है? यह मानव के लिए प्राणदायी गैस के रूप में काम करती है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा व्यापक क्षेत्र जिसमें वृक्षों की बहुलता होती है, क्या कहलाता है? वन कहलाता है। और यह पर्यावरण तथा क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता में वृद्धि करने की कोशिश करता है या क्षमता को सुधारने का प्रयास करता है। क्लियर है? तो यह क्या हो गया? वन हो गया। दूसरा शब्द आएगा आपका बाघ। क्या आएगा? बाघ। बाघ क्या कहलाता है? तो बाघ ऐसे वन होते हैं जहां पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ फल प्राप्त करना होता है। क्या होता है? फल प्राप्त करना होता है, अर्थात फल प्राप्त करने की इच्छा से लगाए गए वृक्ष या फल प्राप्त करने के लिए लगाए गए वृक्ष वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? बाघ कहलाएगा। क्लियर हुआ? हमने वन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने बाकी डेफिनेशन पढ़ी। अब आती है वनस्पति। एक शब्द आता है वनस्पति, क्या होती है? तो किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत पाई जाने वाली पेड़ पौधों की प्रकृति क्या कहलाती है? वनस्पति। अब इसके अंतर्गत झाड़ियां, पेड़ पौधे, घास, इन सभी का अध्ययन किया जाता है एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत, तो वो क्या कहलाएगी? वनस्पति कहलाएगी। ठीक है, ये हमने देखी वन संसाधन के अंतर्गत आने वाली कुछ परिभाषाएं। अब हम देखते हैं भारत में वन संसाधन की स्थिति क्या है, आखिर भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, और यदि हम देखें भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए, ठीक है, या उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो हम देखते हैं भारत में वन संसाधन, भारत में वन संसाधन, भारत में वन संसाधनों की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां है? देहरादून। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, किसका? भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, ये आपको ध्यान रखना। यह पूछ लिया जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। अब भारतीय वन सर्वेक्षण की माने तो यह कहते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 24.39% भाग पर क्या है? वन और वृक्ष आच्छादित हैं। अर्थात कितने पर प्रतिशत भाग पर? 24.39% भाग पर क्या क्या है? वन और वृक्ष दोनों हैं। अब उन्होंने बोला कि इसमें भी हम यदि वर्गीकरण करें कि आखिर वन कितने प्रतिशत भाग पर हैं और वृक्ष कितने प्रतिशत भाग पर हैं, तो उसका भी वर्गीकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि 21.54% क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। और 2.75% भाग पर क्या है? वृक्ष हैं। ये डेटा आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार
पृथ्वी भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष आच्छादित है? प्रश्न पर ध्यान रखना, यदि आता है वन और वृक्ष एवं वृक्ष आच्छादित है तो आंसर क्या आएगा? 24.39%। यदि पूछा जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर केवल वन है तो वन कितने पे है? 21.54% पर। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वृक्ष आच्छादित हैं तो वो कितने आ जाएंगे? 2.75% क्षेत्रफल पर। क्लियर हुआ? तो ये तो क्या थी? भारतीय वन सर्वेक्षण की द्विवर्षीय रिपोर्ट थी। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय वन नीति 1952 की। कौन सी? राष्ट्रीय वन नीति 1952। राष्ट्रीय वन नीति 1952 एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और कहती है कि आखिर कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए जो कि जैविक संसाधन के रूप में उपयोग होगी या जीवों या पर्यावरण के लिए लाभदायक होगी। तो इन्होंने बोला कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है या कोई भी स्थान है उसका जितना भी क्षेत्रफल होता है उसके एक तिहाई भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। या एक तिहाई भाग को यदि हम प्रतिशत में करें तो कितना? 33% भाग पर वन होना चाहिए। किसने कहा है ये? भारतीय राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी का फेवरेट प्रश्न है। वो पूछ लेता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना चाहिए तो कितने प्रतिशत पर होना चाहिए? 33% पर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो 33% पे वन है क्या वो हर जगह बराबर बराबर होना चाहिए? तो नहीं। इन्होंने उसका भी डिवाइडेशन किया है, उसको भी विभिन्न दो भागों में बांटा है। उन्होंने कहा कि यदि पर्वतीय क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है, दो प्रकार के क्षेत्र होंगे, या तो पर्वतीय क्षेत्र होगा या मैदानी क्षेत्र होगा जहां वृक्ष पाए जाएंगे। तो उन्होंने बोला यदि पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र के 60% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। और यदि मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र के 25% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। इस आधार पर वर्गीकरण करके उन्होंने बोला कि यदि ओवरऑल देखा जाए या पूरे भारत में देखा जाए तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर होना चाहिए? टोटल पर्वत और मैदान को मिलाकर टोटल 33% कम से कम इतना होना ही चाहिए। क्लियर है? जो कि पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा। यह क्लियर हुआ राष्ट्रीय वन नीति का। चलिए अब हम देखते हैं, कुछ वन लाइन फैक्ट में प्रश्न आ जाते हैं कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? भारत में क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर? भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन कहां पाए जाते हैं? यदि प्रतिशत के आधार पर देखा जाए सबसे अधिक वन कहां पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन कहां पाए जाते हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपको याद रखना है। ये चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये अक्सर करके पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है या आपको असमंजस में नहीं पड़ना है कि यहां पर ये क्षेत्रफल है और यहां पर प्रतिशत है, राज्य बदल जाते हैं। दोनों को समझाने का प्रयास करूंगा। यदि बात करते हैं क्षेत्रफल पर सबसे अधिक वन, अर्थात मान लो कोई राज्य है उसका क्षेत्रफल 10 है और 10 में सबसे ज्यादा क्या है? वन है। मतलब इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और वन दूर दूर है लेकिन फिर भी क्या है? बहुत ज्यादा क्षेत्रफल पे है। मतलब मान लो कि 8% या 7% भाग पर वन है, कम है। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएंगे? क्षेत्रफल के आधार पर। अब यदि आता है प्रतिशत, मान लीजिए कोई राज्य छोटा सा है लेकिन उसमें वनों की संख्या या पेड़ों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत घने घने हैं, तो वो क्या माना जाएगा? वनों का प्रतिशत माना जाएगा। क्लियर है? क्षेत्र वन बटे क्षेत्रफल भाग करके हम निकालते हैं तो वो परसेंटेज हो जाता है। क्लियर है? तो ये क्या होगा? बहुत कम क्षेत्र में ज्यादा वन, मतलब प्रतिशत के आधार पर। बहुत बड़े क्षेत्र में वन पाए जाएं भले ही कम हो, वो क्या हो जाएंगे? क्षेत्रफल के आधार पर।
समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा रखते हैं अपने पास वन, और कौन कौन से राज्य हैं जो क्षेत्रफल में सबसे कम रखते हैं, और कौन कौन से राज्य हैं जो प्रतिशत में सबसे ज्यादा रखते हैं, और कौन से राज्य हैं जो प्रतिशत में सबसे कम रखते हैं। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे आगे आता है मध्य प्रदेश का नाम, अर्थात क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। तीन राज्य आपको याद रखने क्षेत्रफल वाले कौन कौन से, पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। अब यदि हम कम की बात करें कि कम क्षेत्रफल पर वन कहां कहां पाए जाते हैं, तो यदि हम भारत के उत्तर में चलते हैं, कहां पर उत्तर में चलते हैं, तो उत्तर में कौन कौन से आ जाएंगे याद करिए, उत्तर में कौन कौन से राज्य, हरियाणा जैसे, पंजाब, और तीसरा राज्य दक्षिण की ओर आके गोवा हो जाता है। क्या हो जाता है, गोवा हो जाता है। क्लियर हुआ, क्षेत्रफल में याद हुए। सबसे अधिक भारत के नक्शे में हम देख लेते हैं, सबसे अधिक तो एक हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा इसी के बाजू में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यदि हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम यहां पर पंजाब, यहां पर हरियाणा और गोवा, ये तीन राज्य हो जाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत में यदि हम बात करें कि आखिर प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहां पाए जाएंगे और सबसे कम वन कहां पाए जाएंगे, तो यदि प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मिजोरम में, कहां पर, मिजोरम, और सबसे कम वन प्रतिशत में कहां पाए जाते हैं, तो जहां क्षेत्रफल में है वही राज्य आगे पीछे हो जाते हैं, अर्थात पंजाब में सबसे कम पाए जाते हैं प्रतिशत में, और क्षेत्रफल में सबसे कम हरियाणा में। क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या क्या है आपका, सबसे अधिक क्षेत्रफल में एक एक ही याद कर लो मध्य प्रदेश, सबसे कम हो जाएगा आपका हरियाणा, यदि परसेंटेज की बात करें प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक मिजोरम में और सबसे कम पंजाब में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। यह तो हुए वन लाइन फैक्ट के आधार पर प्रश्न कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और जो आपको याद रखने चाहिए। अब हम देखते हैं कि भारत में वनों का वर्गीकरण कैसे होता है या कितने भागों में भारत में वनों को बांटा गया है। ठीक है, हम देखते हैं भारत में वनों का वर्गीकरण। ध्यान रखना, बहुत सारी बुक्स में आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ भारत में वनस्पतियों का वर्गीकरण दिया जाता है, अर्थात वनस्पतियों के आधार पर वनों का वर्गीकरण दिया जाता है, ना कि वनों का वर्गीकरण। यदि भारत में वनों का वर्गीकरण आता है तो भारत में वनों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। और यदि वनस्पति के आधार पर बात करें तो वनस्पति के आधार पर भारत के वनों को 6 भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि वो वनों के आधार पर पूछ रहा है या वनस्पति के आधार पर पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में वनों का वर्गीकरण 8 प्रकार से कैसे कैसे हैं। इसको सरल भाषा में समझने के लिए मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। एक भाग में हम रखते हैं जिसमें वनों के प्रतिशत या वृक्षों के प्रतिशत के आधार पर उसे बांटा जाता है। दूसरा हम रखते हैं शासकीय आधार पर, मतलब आरक्षण और संरक्षण की नीति जहां पर अपनाई जाती है, और तीसरा एक अन्य भाग रखते हैं। क्लियर है। इन 3 आधार पर हमने क्या किया है, भारत में वनों का वर्गीकरण किया है। आपको यह करना नहीं है, यह समझाने के हिसाब से है। आपको तो सिर्फ 8 नाम याद रखने हैं। वो 8 नाम कैसे याद होंगे, उसके लिए मैंने ये 3 आधार पर उनका वर्गीकरण किया है। क्लियर है। आपको सीधे सीधे 8 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, यदि हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो इसमें हमने 4 भागों में बांटा है इसको। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। पहली बात करें हम तो पहले आता है अति सघन वन, या फिर इसको बोल सकते हैं गहन वन क्षेत्र। क्लियर है। दूसरा आता है सामान्य सघन वन। क्या आता है, सामान्य सघन वन। तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर का कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा आपका खुले वन। क्या आएंगे, खुले वन। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके खुले वन,
और चौथे नंबर पर आते हैं आपके झाड़ीदार वन। तो ये चार आधार पर, प्रतिशत के आधार पर हम इनको वर्गीकृत करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए जहां पर वनों का घनत्व, जिन क्षेत्र में वनों का घनत्व 70% से क्या हो, अधिक हो, क्या 70% से अधिक हो, वैसे क्षेत्र के वन क्या कहलाते हैं, अति सघन वन कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर वनों का घनत्व 40% से 70% के मध्य हो, वैसे क्षेत्र सामान्य सघन वन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, सामान्य सघन वन कहलाते हैं। यदि यह प्रतिशत 10 से 40% का हो जाता है तो वो कहलाएंगे खुले वन, और झाड़ीदार वन में 10% से भी कम हो जाते हैं, और झाड़ीदार वनों में कांटेदार झाड़ियां और कम पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। तो यदि हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो चार भागों में हमने इनको बांट दिया। एक हमने देखा अति सघन वन, या इन्हें गहन वन भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2018 की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया था कि गहन वन किन्हें कहते हैं। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है गहन वन, सघन वन, अति सामान्य गहन वन, तो ये कैसे कैसे होते हैं, कितना परसेंट किसमें होता है। तो क्या क्या होता है, यदि हम अति सघन वन की बात करें या गहन वन की बात करें, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर 70% से अधिक वनों का घनत्व होता है, वृक्षों का घनत्व होता है, वो क्या कहलाते हैं, अति सघन कहलाते हैं। सामान्य सघन की बात करें तो जहां पर 40 से 70% होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सामान्य सघन वन कहलाते हैं, और जहां पर 10 से 40% घनत्व हो वो खुले वन कहलाते हैं, और जहां पर 10% या इससे कम हो वो झाड़ीदार वन कहलाते हैं। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं शासकीय आधार पर। तो शासकीय आधार पर भी इन्हें कुछ भागों में बांटा गया है। इसे हम मुख्यतः तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, तीन भागों में। देखते हैं कौन कौन से भाग रहेंगे। एक होता है आरक्षित, दूसरा होता है संरक्षित, और तीसरा होता है अवर्गीकृत। कितने हो गए, तीन भागों में बांटा। एक होता है आरक्षित, एक होता है संरक्षित, और एक होता है अवर्गीकृत। समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या होते हैं। यदि पूछा जाए आपसे आरक्षित, आरक्षण क्या होता है, आरक्षण क्या, कठोर कठोर नियम लागू होते हैं। तो ऐसे वन क्षेत्र जहां पर नियम कठोर होते हैं, जहां पर विचरण करना, पशुचारण, लकड़ी काटना, यह दंडनीय अपराध माना जाता है, ऐसे क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात करते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन क्या कहलाते हैं, तो ऐसे वन क्षेत्र जहां पर नियम थोड़े से सरल होते हैं, ठीक है, और वहां पर विचरण की सुविधा होती है, लेकिन वनों को नुकसान पहुंचाना या लकड़ी काटना दंडनीय अपराध माना जाता है, कैसे वन कहलाते हैं, संरक्षित वन कहलाते हैं। क्लियर हुआ। अंतर कितना है, यहां पर क्या होता है, नियम ज्यादा कठोर होंगे, यहां पर घुसना, विचरण करना, लकड़ी काटना, कुछ भी, सभी क्या होंगे, अपराध के अंतर्गत आएंगे, और कैसे, दंडनीय अपराध होते हैं। संरक्षित वन में क्या हो जाएगा, संरक्षित वन में नियम थोड़े से सरल होते हैं, उदारणीय होते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, आप घूम सकते हो, विचरण कर सकते हो, लेकिन यदि आप वनों को नुकसान पहुंचाते हो, यदि आप वृक्ष को काटते हो, यदि आप लकड़ियां काटते हो, तो वो भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। एक आता है तीसरे नंबर पर अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन ऐसे होते हैं जो इंसान की इच्छा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार वहां पर विचरण भी कर सकते हैं, इंसान घूम भी सकते हैं, लकड़ी भी आवश्यकता अनुसार, जलाऊ लकड़ी, ध्यान रखना, जलाऊ लकड़ी काट सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। और एक होते हैं अन्य में जो होते हैं उन्हें कहते हैं मैग्रेव वन। क्या कहते हैं, मैग्रेव वन। मैग्रेव वन कैसे वन कहलाते हैं, ऐसे वन जो खारे पानी के क्षेत्रों को सहन करने की शक्ति अपने पास रखते हैं, और यह उष्ण तथा शीतोष्ण उपक्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैग्रेव वन कहलाते हैं। तो ये तो क्या था, भारत में वनों का वर्गीकरण, जो कितने प्रकार से थे, इनको हम 8 प्रकार से देखते हैं। कौन कौन से देखते हैं, तो हमने इनमें देखा है संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, और क्या देखा था हमने, हमने देखा था गहन वन, और गहन वन के बाद अति सघन वन, सॉरी सघन वन, गहन वन, और क्या आ जाएंगे आपके, खुले वन और झाड़ीदार वन और मैग्रेव वन। 8 प्रकार हो गए। एक बार मैं लिख देता हूं कौन कौन से हो जाएंगे आपके। फर्स्ट हो जाएगा आपका कौन सा, अति
सघन वन या इसे गहन वन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है, सामान्य सघन वन। तीसरे नंबर पर आता है खुले वन। चौथे नंबर पर आता है झाड़ीदार वन। पांचवें नंबर पर आता है आपका आरक्षित वन। छठवें नंबर पर आता है संरक्षित वन। सातवें नंबर पर आता है अवर्गीकृत वन और आठवें नंबर पर आता है मैग्रेव वन। आपको यह ध्यान रखना है और यही लिखना है, ना कि वो जो मैंने वर्गीकरण समझा, वो मैंने आपको याद करने के लिए, ताकि याद करने में सरलता हो, उसके लिए उसको वर्गीकृत करके समझा दिया था। क्लियर है? तो ये आठ प्रकार होते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है भारत में वनों का वर्गीकरण कीजिए, या भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आठ भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हो जाएंगे? अति सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन, झाड़ीदार वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और मैग्रेव वन। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं भारत में वनस्पतियों के वर्गीकरण को। किसे देखेंगे हम? भारत में वनस्पतियों के वर्गीकरण को, अर्थात यदि इसे सरल भाषा में समझें तो भारत में वनस्पतियों के आधार पर वनों का वर्गीकरण भी से हम कह सकते हैं कि आखिर भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इसे हम मुख्यतः छह भागों में बांटकर पढ़ते हैं, अर्थात यदि वनस्पति को देखा जाए तो पूरे भारत में छह भागों में बांटा जाता है, अर्थात छह प्रकार की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। समझते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसको भी हम सरल भाषा में समझने के लिए दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में, सरलता से समझने के। आपको नहीं बांटना है, बस आपको याद कराने के लिए मैं ये भाग बांट के आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको सीधे छह भाग याद करने हैं और सीरियल क्रम में उनको लिखना है, या एग्जाम में आपसे वन लाइन फैक्ट में पूछा जाता है तो आपको सीधे टिक लगाना है। क्लियर है? इसको मैंने दो भागों में बांटा है। एक आ जाएगा जिसमें हम उष्णकटिबंधीय शब्दों का यूज करेंगे, ये तीन आधार पर है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शब्द का यूज करेंगे, और तीन भाग ऐसे होंगे जिसमें इस शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सबसे पहले आ जाएगा सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय, अब यह शब्द बार बार यूज होगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा क्या, अर्ध पर्णपाती वन। क्या आ जाएगा? अर्ध पर्णपाती वन। और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये तीन हो गए। इसके बाद यदि हम किसकी बात करें, दूसरे भाग की बात करें, कि दूसरे भाग के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो दूसरे भाग के अंतर्गत आ जाएंगे जैसे पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन, और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे ज्वारीय वन। कितने हो गए? छह हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो ये छह आधार पर, वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। याद रहेंगे कैसे कैसे? इधर देखें हम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, फिर इसके बाद उष्णकटिबंधीय खत्म हुआ। तीन को याद रखेंगे, एक पर्वत के आधार पर, एक मरुस्थल के आधार पर, एक ज्वार के आधार पर, हो गए छह। चलिए हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी विशेषता है क्या क्या। सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को। ठीक है, कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, या ये वृक्ष या ये वनस्पति कहां पर जन्म लेती है। तो भारत में जहां कहीं भी वर्षा, क्या वर्षा
200 सेंटीमीटर से क्या हो, अधिक हो, वहां पर कौन सी वनस्पति जन्म लेती है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वाली वनस्पति जन्म लेती है। इनकी विशेषता यह होती है कि यह जो वनस्पति होती है इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और कठोर लकड़ी वाले होते हैं। और चूंकि लकड़ी बहुत कठोर होती है इसलिए इसका उपयोग उद्योगों में नहीं किया जाता, इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ जलाने में किया जाता है। बात करें कि आखिर ये किस किस क्षेत्रों में पाए जाएंगे, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जहां कहीं भी कौन सी मिट्टी होगी, आपकी लैटेराइट मिट्टी होगी। मैंने बताया था आपको कि जहां कहीं भी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर कौन सी मृदा जन्म लेती है, लैटेराइट मृदा जन्म लेती है। और वहीं पर कौन सी वनस्पति आएगी, वहीं पर उष्णकटिबंधीय सदाहरित या सदाहरित वनस्पति आएगी। क्लियर है। सदाहरित वनस्पति की यह विशेषता होती है कि यह अपने पत्ते वर्ष भर बनाए रखती है, बहुत ज्यादा छाया होती है, उनके नीचे दलदलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। क्लियर है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो हम बात करें इसके अंतर्गत पूर्वी भारत वाला क्षेत्र आएगा, यहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो कौन सा पूर्वी भारत वाला क्षेत्र आएगा, उसके बाद पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र आएगा और अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र आएगा। क्लियर हुआ। यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, यहां पर पाई जाएगी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वाली वनस्पति पाई जाएगी। अब बात करें कि यहां पर आखिर वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहां पर वृक्षों की बात करें तो यहां पर रबर, महोगनी, ताड़, आबनूस, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाएंगे ये, यहां पर जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जहां पर कौन सी वनस्पति जन्म लेती है, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित या सदाहरित वनस्पति। क्लियर हो गया। अब शब्द आ रहा है कि इसमें उष्णकटिबंधीय शब्द का उपयोग क्यों किया है हमने, तो हमें पता है कि जो हमारा भारत है उसके मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरी है और कर्क रेखा के नीचे जो भी वनस्पतियां पाई जाएंगी उनके साथ कैसी होंगी, उष्णकटिबंधीय होंगी, क्योंकि वहां की जलवायु कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय होती है। और ये सारी की सारी वनस्पतियां कैसी हैं, उष्णकटिबंधीय हैं। क्लियर है। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने पर्वतीय में, मरुस्थलीय में या फिर ज्वारीय में उष्णकटिबंधीय शब्द नहीं लगाया, लेकिन इन तीन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शब्द लगाया है। तो आपको पता है कि कर्क रेखा कहां से, यहां से गुजरती है और जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये देखिए आप नीचे है थोड़ी सी, यहां पर है, लेकिन यहां से भी क्या है, ये इसके पास में ही पड़ती है, इसलिए यहां पर जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं कैसी होंगी, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पतियां होंगी। बात करते हैं हम दूसरी वनस्पति की जिसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन वाली वनस्पति। अब बात आई अर्धपर्णपाती। अर्धपर्णपाती क्या होती है कि ऐसे वृक्ष जो एक सीजन में या एक समय पे अपने अपने क्या होती पत्तियों को गिरा दें, वो क्या कहलाते हैं, अर्धपर्णपाती। आधे पत्ते को झरा देते हैं, आधे पत्तों को गिरा देते हैं और आधे पत्ते उनमें लगे रहते हैं, तो ऐसी वनस्पति क्या कहलाएगी, अर्धपर्णपाती वन कहलाएंगे। अब बात करें कि ये वन कहां पर पाए जाते हैं, तो जहां कहीं भी वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के करीब होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बात करें क्षेत्र कि ये किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, तो ये सबसे पहले भारत के तराई क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्रों में आएंगे, भारत का तराई क्षेत्र। हमने देखा था कि ये जो शिवालिक के नीचे वाला भाग है उसे क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। पहले भाबर क्षेत्र आएगा, उसके नीचे तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र दलदलीय वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो एक तो तराई क्षेत्र में, वहीं पर बिहार और यूपी बिहार वाले क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा हो गया, तराई क्षेत्र, बिहार, यूपी, उड़ीसा, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, थोड़ी सी पश्चिम बंगाल में भी पाई जाएगी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इसके अंतर्गत और भी क्षेत्र आते हैं, मध्य प्रदेश का भाग भी आता है इसी के अंतर्गत। बात करें हम वृक्षों की, तो यहां पर वृक्ष कौन कौन से पाए जाएंगे, तो यहां पर जो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि शीशम, शाल, सागौन, ये वाले वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं, आम, महुआ, नीम। तो ये वाले वृक्ष कहां पाए जाएंगे, अर्धपर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये अपने आधे पत्ते गिराते हैं और आधे पत्ते नहीं गिराते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगली वनस्पति की ओर बढ़ते हैं। अगली वनस्पति जिसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, कौन सी, शुष्क पर्णपाती वनस्पति। क्या बोलते हैं,
शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इन्हें क्या कहा जाता है? शुष्क पर्णपाती वन भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, दोनों नाम इसी के हैं। बात आई पर्णपाती और शुष्क। शुष्क मतलब कहां? जहां पर पानी 50 से 100 सेंटीमीटर के करीब गिरे। वर्षा कितनी हो? 50 से 100 सेंटीमीटर के करीब हो, वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। यह क्षेत्र कौन कौन सा होगा? तो इस क्षेत्र की हम बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान, गुजरात और वृष्टि छाया क्षेत्र वाला। जहां वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? पर्वतों का पिछला वाला भाग जहां पर वर्षा कम होती है, तो उस वाले क्षेत्र में कौन सी वनस्पति जन्म लेती है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति जन्म लेती है। बात करें इसके अंतर्गत वृक्ष कौन कौन से आएंगे, तो इसके अंतर्गत कटीली झाड़ियां आती हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत बेर आएगा, ठीक है, बबूल आएगा, खैर आएगा, कत्था आएगा। तो खैर कत्था से ही, खैर से ही कत्था बनता है, तो बबूल आएगा, खैर आएगा, और कौन सी आती हैं? बेर आती हैं, झाड़ियां आती हैं। किसके अंतर्गत आएंगी? शुष्क पर्णपाती के अंतर्गत आएंगी। क्लियर है? चलिए अगले वन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मरुस्थलीय वन। कौन से? मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय की परिभाषा का क्या होती है? कि जहां कहीं भी 50 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहां पर कौन सी वनस्पति जन्म लेती है? वहां पर मरुस्थलीय वनस्पति जन्म लेती है। मरुस्थलीय वनस्पति की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनमें पत्तों की मात्रा बहुत कम होती है, तथा पत्ते किसमें? शंकुधार या फिर कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें क्या निकल आते हैं? कांटे निकल आते हैं, जैसे कि नागफनी, कीकर, बबूल। ये वृक्ष कहां पर पाए जाएंगे? ये वृक्ष पाए जाएंगे मरुस्थलीय वनस्पतियों में। क्लियर है? क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? तो जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जैसे कि राजस्थान वाला क्षेत्र, पश्चिमी गुजरात वाला क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, या उत्तर मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जिसके अंतर्गत चंबल आ जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा बहुत कम हो रही है, वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी। छठवें, पांचवा हमने भाग देखा था इसका, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा था? पर्वतीय वनस्पति या पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहां पर पाए जाएंगे? पर्वतीय वाले क्षेत्रों पे। पर्वतीय वाले क्षेत्र मतलब कैसे? जैसे कि हिमालय हो गया। अब हिमालय के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आएंगे वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन क्षेत्रों में कौन सी वनस्पतियां, कौन से वन पाए जाएंगे? तो यहां से पर्वतीय वन पाए जाएंगे। बात करते हैं कि यहां पर किस प्रकार के वन होते हैं। तो यहां पर यदि वनों की बात करें तो यहां पर चीड़, देवदार, आब्रूस, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तथा कैसे होते हैं? नुकीले और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? नुकीले और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कहां पर? पर्वतीय वनों पर। अब बात करते हैं हम ज्वारीय वन कि आखिर ज्वारीय वन कहां पर पाए जाते हैं। जो वनस्पति के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसका छठवां भाग क्या है? ज्वारीय वन। तो ज्वारीय वन को समझे तो जहां पर दलदलीय क्षेत्र होता है, क्या क्षेत्र होता है? दलदलीय वाला क्षेत्र होता है, वहां पर ज्वारीय वन विकसित होते हैं। कैसे वन विकसित होते हैं? ज्वारीय वन विकसित होते हैं, जैसे कि डेल्टाई वाला क्षेत्र। बात करें यहां पर वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वृक्ष की बात करें तो यहां पर जैसे कि सुंदरी वृक्ष, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष, सेनोरिटा, सुंदरी, सेनोरिटा, मैग्रेव, जो खारे पानी को सहन करने की क्षमता रखते हैं, किसके अंतर्गत आएंगे? ज्वारीय वन के अंतर्गत आते हैं। और ज्वारीय वन कहां पर आते हैं? डेल्टाई वाले क्षेत्रों में आते हैं। तो क्लियर हुआ, हमने क्या देखा? भारत में वनस्पतियों के आधार पर वनों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हमने इसके 6 भागों का अध्ययन किया। क्या क्या किया? 3 भागों में हमने उष्णकटिबंधीय और 3 भाग हमने अलग नाम वाले थे। कौन कौन से? पहले हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय नाम कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हमने देखा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार या सदाहरित वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कहां पर पाए जाते हैं? जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है, या जहां पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। तो कहां पर? जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक
अधिक होती है, जहां पर तापमान वर्ष भर उच्च बना रहता है वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता यह होती है कि इनमें क्या होती, 12 महीने पत्तियां होती हैं, इनकी लकड़ी जो होती है कठोर होती है, इसलिए सिर्फ जलाने के उपयोग में आती है। यदि हम इनमें वृक्षों की बात करें तो यहां पर रबर, महोगनी, आबनूस, चीड़, देवदार, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा वहां पर तापमान उच्च बना रहता है। इन वृक्षों की विशेषता यह होती है कि एक सीजन में अपने क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। यहां इनकी जो लकड़ी होती है वो औद्योगिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है। यदि हम वृक्षों की बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आएंगे, तो इसके अंतर्गत जैसे कि साल, शागौन, शीशम, महुआ, नीम, आम, इस प्रकार के वृक्ष आते हैं। फिर हमने देखा था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा क्या था, शुष्क पर्णपाती वन। तो ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है और इनमें क्या होता है, इनमें झाड़ीदार या कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, झाड़ीदार कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनस्पतियों का क्षेत्र आपको पता है कि कहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है। जैसे कि हम बात करें कि पूर्वी राजस्थान, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी महाराष्ट्र। तो ये वाला जो भारत का क्षेत्र होता है, यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, तो यहां पर शुष्क वनस्पति पाई जाती, शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। क्लियर हुआ। फिर हमने देखा था पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति कहां, पर्वतीय वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां पर पर्वत होते हैं। इन वृक्षों की विशेषता यह होती है कि ये नुकीले और शंकुधारी वन होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले और शंकुधारी वन होते हैं। और यदि हम वृक्षों की बात करें कि यहां पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, तो यहां पर चीड़, देवदार और स्प्रूस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और राज्यों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र के राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और किस कौन कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। फिर हमने देखा था ज्वारीय वन और मरुस्थलीय वन। तो पहले हम मरुस्थलीय वन को समझ लेते हैं। तो जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहां पर जो वन पाए जाएंगे, मरुस्थल क्या होता है, जहां पर 50 या 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाते हैं। और यहां पर जो वनस्पति जन्म लेती है उसे मरुस्थलीय वनस्पति कहा जाता है। इनकी विशेषता यह होती है कि इनमें पत्ते नहीं पाए जाते हैं और इनके पत्ते कांटों का रूप धारण कर लेते हैं, ताकि ये पानी का सबसे कम उपयोग करें और सबसे कम पानी का वाष्पोत्सर्जन कर सकें। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि नागफनी, कीकर, बबूल, ये वृक्ष यहां की विशेषता होते हैं। फिर हमने देखा ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति दलदलीय क्षेत्रों में होती है और दलदलीय क्षेत्रों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि सेनोरिटा हो गया आपका, ठीक है, मैग्रेव वनस्पति हो गई, तो सेनोरिटा सुंदरी वनस्पति हो गई। तो ये वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, ज्वारीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं या ज्वारीय क्षेत्र की वनस्पति होती है। तो क्लियर हुआ, ये हमने क्या देखा, वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया, जिनको हमने 6 भागों में बांटा था। तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या देखा है, पहले हमने वनों का वर्गीकरण किया जो कि 8 आधार पर किया था, फिर हमने क्या किया, फिर हमने वनस्पति का वर्गीकरण किया। अब हम देखते हैं कि वनस्पति के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण, आखिर वनस्पति के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, क्या है वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, अभी हमने वनों का वर्गीकरण किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्र का वर्गीकरण, भारत का वर्गीकरण कर रहे हैं, भारत का वर्गीकरण। तो यदि हम वनस्पति के आधार पर भारत का वर्गीकरण देखें या क्षेत्रों का वर्गीकरण देखें, तो यह मुख्यतः 8 भागों में किया जाता है। कितने भागों में किया जाता है, 8। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, 8 भागों में कौन कौन से क्षेत्र हैं मैं बता देता हूं, विशेषता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहला जो क्षेत्र आता है, पहला क्षेत्र आता है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र आता है आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र, क्या हुआ, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ। फिर तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी भारत, तीसरे नंबर पर आता है गंगा का मैदान, चौथे नंबर पर आता है, कितना हो गया, 1, 2, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, सिंधु का मैदान।
ठीक है। छठवें नंबर पर आता है कि गंगा का मैदान थोड़ा यहां तक है, ये सिंधु का मैदान हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा आपका कौन सा, पांच हो गए। छठवें नंबर पर आता है आपका दक्षिण का मैदान, सातवें नंबर पर आता है पूर्वी और पश्चिमी घाट, और आठवें नंबर पर आता है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये वनस्पतियों के आधार पर भारत का वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में, आठ भागों में। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, यह नहीं पूछा जाता वर्गीकरण, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। आपको सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में यह पढ़ना है कि भारत में यदि वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया जाए तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, आठ क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके साथ ही जो वन संसाधन के अंतर्गत संपूर्ण महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, जो तथ्य थे, वो मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको कवर करवाने का प्रयास किया है। वन संसाधनों में इसके अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में मेरे ख्याल से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जो टॉपिक में हमने पढ़ने का प्रयास किया है कि वनों का वर्गीकरण, वनस्पति का वर्गीकरण और इनमें जो तथ्य थे कि आखिर कौन से वन में क्या क्या विशेषता होती है, इन सभी से प्रश्न बन सकते हैं, इनके अलावा प्रश्न नहीं बनते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे कि भारत में आखिर कितने प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अब खनिज संसाधनों के अंतर्गत हम धात्विक और अधात्विक सभी प्रकार के खनिजों का अध्ययन करेंगे। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।